आपके साथ। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होगी। इस बैठक से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा, हम परिवर्तन के लिए एक साथ आए हैं। 28 पार्टियों का सम्मेलन कल से शुरू होगा। चुनाव में परिवर्तन के लिए विकल्प जरूरी है। हमारा भरोसा है कि देश को एक बढ़िया विकल्प मिलेगा। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारा गठबंधन बनते ही सरकार ने गैस के दाम कम कर दिए, देखते जाइए आगे से फ्री सिलेंडर भी देंगे। 9 साल से इन्हें बहनों की याद नहीं आई, इस बार रक्षाबंधन का गिफ्ट दे रहे हैं। क्या पहले रक्षाबंधन नहीं मनाया गया था? हमारी विचारधारा अलग अलग जरूर है, हमारा उद्देश्य एक है, संविधान की रक्षा करना। हमारे पास प्रधानमंत्री बनाने के लिए कई चॉइस हैं, लेकिन भाजपा के पास मोदी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, हमारे गठबंधन में 11 मुख्यमंत्री हैं। गठबंधन में शामिल पार्टियों को पिछले चुनाव में 23 करोड़ वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 22 करोड़ वोट मिले थे। तब हम अलग अलग थे, इसलिए भाजपा जीत गई थी। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।